नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे हिंदी फिल्मों में एक्शन के सुपरस्टार को, एक ऐसा हीरो जिसके डायलॉग सबसे ज्यादा इमिटेट किए जाते हैं, एक ऐसा सुपरस्टार जो कभी गदर में आपको दिखाई दिया, कभी जिसने बॉर्डर से धूम मचाई, कभी जिद्दी कभी घायल। प्लीज वेलकम सनी देओल। और जब सनी देओल जैसा सुपरस्टार हो तो फिर आज का जज भी ऐसा ही है। प्लीज वेलकम दलेर मेहंदी। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज दलेर मेहंदी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की। इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, सनी देओल से सफाई मांगे। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार सनी देओल पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि इन्होंने घायल का सीक्वल बनाने में काफी देर कर दी। सनी, लोग कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, 26 साल लगा दिए ये सीक्वल थोड़ा पहले बनाते। नहीं चाहता तो यही था क्योंकि मैं सीक्वल, बिकॉज पिक्चर इतनी अच्छी थी कि तुरंत उसी वक्त बना लूं, लेकिन उस वक्त मेरे डायरेक्टर राज संतोषी वो नहीं चाह रहे थे और बाकी लोग भी कह रहे थे कि नहीं सीक्वल्स नहीं बनते। और जब बनने का सीज़न आया और फिर मैंने शुरू किया कि मैं बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा, करते 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 26 साल निकल गए। बस जैसे घायल थी, बिकॉज उस फिल्म ने अपने आप एक जगह बनाई थी जिसका हमें खुद को इतनी उम्मीद नहीं थी कि कहाँ जाएगी वो फिल्म। वो घायल जिन लोगों ने देखी थी उनके तो बच्चे हो गए। तो वही सोच के मैंने सोचा कि आज के बच्चों के लिए मैं क्या करूं। मुझे मिल नहीं रहा था ना सही तरह से कोई डायरेक्टर ना राइटर जिससे जो मेरी सोच के साथ चले, तो इसी वजह से फिर मैं खुद ही राइटर बन गया और डायरेक्टर बन गया और 2 साल से इस फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ और आज आप लोगों के बीच हूँ क्योंकि 5 फेब को लगने वाली है और नर्वस हूँ। जब पहली घायल बनाई थी तभी इसी तरह की परेशानियाँ सामने आई थी? यानी परेशानियाँ तो बहुत आई थी उस वक्त, क्योंकि जब सब्जेक्ट लेकर मेरे पास राज आया था तो उसके साथ जो प्रोड्यूसर था वो भाग गया। तो मैं बोला भाई मैं ये तू मुझे साइन करने आया तो प्रोड्यूसर क्यों भाग गया? तो उसके बाद फिर हमारी खोज शुरू हुई प्रोड्यूसरों के लिए, ढेर सारे लोगों के पास गए, किसी को सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जो मुझे अच्छा लग रहा है किससे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? तो फिर मैं अपने पापा के पास गया, उन्हें कहानी सुनाई, उन्हें अच्छी लगी और वहाँ से मुझे शक्ति मिली और उन्होंने कहा जा प्रोड्यूस कर एंड की प्रोड्यूसर। ये जो घायल का सीक्वल आप बना रहे हैं ये भी धर्म जी ने देखी है? हाँ पापा ने देखी है, जैसे पापा ने पहले वो मेरी घायल भी देखी थी ये फिल्म भी उन्होंने देखी है बनते बनते बीच में। पापा हमेशा जो फादर सन का होता है रिलेशन, जहाँ पर पापा कुछ भी कह सकते हैं तो कभी कभी उनको कोई ऐसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती जो मैं कह नहीं सकता। तो वो मेरी पुरानी फिल्म में भी था, इसमें भी रहा है थोड़ा बहुत, पर इन ऑल ही लव द फिल्म। वो चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए और हम कोशिश करते हैं कहाँ तक हम पहुँच सकें। 26 साल में जब घायल दोबारा आ रही है तो सनी देओल कुछ बदला है? हाँ काफ़ी बदल गया हूँ। काफ़ी बदल चुका हूँ और आई मीन बदलाव को ये कहेंगे कि उम्र बढ़ गई है, एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तो उसी के साथ
चीज़ें भी जो सोसाइटी की जो चीज़ें हो रही हैं काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं और वही मैं चाह रहा था कि घायल अब मैं लेकर आऊँ तो आज की सोसाइटी के साथ एकदम रेलेवेंट हो ताकि परिवार बच्चे सब उसको देखें तो उन्हें लगे कि हाँ ये बच्चा मेरे जैसा है, माँ सोचे ये मैं हूँ, भाई सोचे ये मैं हूँ। तो कोशिश ये की है और जैसे कह रहे हैं वो बच्चे 25 साल बाद वहाँ के जो बच्चे पैदा हुए थे वो अभी I'm hoping बड़े हो गए हैं and they will be able to identify with it। सनी, घायल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी, हमारी दुआ है, सब लोग की दुआ है घायल वंस अगेन आपका एक और टर्निंग पॉइंट साबित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। लेकिन असली मुकदमा मुझे अभी शुरू करना है। हाँ जी। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार सनी देओल। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है। सनी, आपकी जो भी फिल्म देखते हैं आप कहते हैं घर में घुस के मारूंगा, आप कहते हैं कि तेरा वो हश्र करूंगा तुझे अपना पैदा होने पर अफसोस होगा, आप कहते हैं आने वाले 24 घंटों में तेरे 24 टुकड़े करके हर टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार करूंगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें, क्यों इतना गुस्सा करते हैं आप? क्यों इतना गुस्सा करता हूं भाई, आप लोग बताइए। नहीं, अक्सर मुझे लगता है मैंने जितनी फिल्में की हैं जो भी मेरे कैरेक्टर्स रहे हैं वो उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां चीज़ हद से बाहर निकल जाती है और उस वक्त आदमी को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, और इसलिए बार बार गुस्सा आता रहता है। असली ज़िंदगी में मैंने सुना बचपन में भी आपको बहुत गुस्सा आता था। नहीं, गुस्सा तो एक एक पार्ट ऑफ द इमोशन है और हमारे यहाँ क्या है, हमारे इमोशंस जो भी हैं सब फटाफट ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं, और ज़्यादा करके बीइंग पंजाबी तो थोड़ा सा गुस्सा ऐसे ही आ जाता है। तो इसलिए आपको धर्म जी ने लंदन भेज दिया था, ठंडी हवा में गुस्सा कुछ ठंडा होगा। नहीं, पापा ने मुझे उसके लिए तो नहीं भेजा था। बात ये हो गई थी तब के वो समय था जब मैंने डिसाइड किया था मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, उसके पहले सिर्फ शरारतें करता था, तब मैंने सीरियस हुआ कि मैं हैव टू डू समथिंग, और फिर तब मैंने सोचा कि मैं यहाँ इंडिया में कुछ करना चाहूँगा तो सही ढंग से नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पूरी स्कूलिंग में एक प्रॉब्लम रही है कि जहाँ भी जाते हैं यहाँ तो अच्छी तरह से लोग बिहेव करते हैं या बुरी तरह से, तो इन बिटवीन आदमी एक अपनी आइडेंटिटी के साथ कुछ नहीं कर पाता, तो उस वजह से फिर मैंने कहा मैं इंग्लैंड जाऊंगा, वहाँ जाके ड्रामा स्कूल ज्वाइन करूंगा एंड ताकि मैं अपने आप को डिस्कवर करूं और जो मैं करना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करूं। या शरारतें कौन सी करते थे आज के ज़माने में? जो मैं करता था, जो करता होता तो आज के ज़माने में मीडिया ने ऐसे उठाया होता कि मैं सबसे गंदा लड़का होता। शरारती लड़का होता। शरारतें मेरी इस तरह की नहीं थी, जो बच्चे आज तो करते नहीं हैं, पर उस वक्त मुझे गाड़ी चलाने का शौक़ था तो मेरे एक्सीडेंट्स ढेर सारे हो गए थे और खेलना बंद कर दिया था, खेलना अलाउड नहीं था, बिल्डिंग में रहते थे, मैं हर दिन कैसे भी छुप कर कुछ करता था, चला जाता था, घर आता था पहले ही इतनी चोटें लगी हुई थी, ऊपर से मार पड़ती थी कि चोट लगी है, मतलब मेरे साटे लगी है, प्लीज़ आया था देखो, नो थार 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 पड़ती थी। मे बी बिकॉज माँ का प्यार था कि वो नहीं चाहती थी कि, बिकॉज अभी समझ सकते हैं वो सब चीज़ें, बिकॉज और आई ऑलवेज थैंक माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली एंड माई ऑल माई जॉइंट फैमिली, बिकॉज उसी की वजह से मैं हूँ जो हूँ आज हूँ, नहीं तो कुछ नहीं होता। ये सच है कि 12 साल की उम्र में गाड़ी चुरा के ले जाते थे? हाँ, उस वक्त किया, अभी ये चीज़ें बहुत किया करता था तब, बिकॉज मुझे गाड़ी के चलाने का बहुत शौक था, ड्राइविंग का हमेशा शौक रहा है, आज भी जहाँ भी मैं जाता हूँ अक्सर खुद ही गाड़ी लेके जाता हूँ, और जहाँ भी चला जाऊँ अब्रॉड हूँ या इंडिया में भी फ्लाई नहीं करना चाहता जितना मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ जहाँ भी पहुँच पाऊँ। हाँ, उस वक्त था, शुरुआत तो ऐसे ही हो गई थी ड्राइवर्स के गोदी पर बैठ के, बिकॉज पैर पहुँचते नहीं थे,
वो जैसे पैर पहुंचने लग गए, फिर गाड़ी को धक्का मार के हम लोग बाहर निकालते थे रात को ताकि पता ना चले, और फिर दूर जाके स्टार्ट करके फिर निकल जाते थे। और ये भी सच है कि क्लास में पढ़ाई पे कम, लड़कियों पे ज़्यादा था। नहीं ऐसा तो नहीं था, हाँ पढ़ाई में बहुत कम था, डेफिनेटली डेफिनेटली पढ़ाई में मैं इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि खेलने का शौक था, तो जब मौका मिलता था स्पोर्ट्स में भाग जाता था। और बात रही लड़कियों की, नहीं मैं शुरू से बहुत शर्माता था। तो हाँ डेफिनेटली यू लाइक गर्ल्स। तो शर्माते थे तो फिर हीरो कैसे बने? पहली फिल्म में अमृता सिंह के साथ। खैर तभी मैं गया था मेरे इंग्लैंड ताकि वहाँ होऊंगा गोरों के साथ, शर्म जो शर्म है वो निकल जाएगी। तो शर्मा अपनी शर्म को वहाँ छोड़ कर आया, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। आई डोंट नो व्हाई बट थोड़ा हूँ मैं वैसा। लेकिन जो अपनी फिल्म में फोटो शूट में भी हीरोइन के साथ शर्माता हो। भाई जो भी मैं करता हूँ लेकिन फिल्में तो अच्छी कर रहा हूँ ना। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो रोमांस करने में भी शर्माता हो, वो इतना ऐसा किरदार बन जाए ढाई किलो का हाथ। नहीं वो क्या, देखिए एज एन एक्टर यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पर हम अपने आप के ऊपर एक मास्क डाल लेते हैं, हम कुछ और बन जाते हैं, और फिर उस वक्त आदमी शर्माता नहीं, फिर वही रहता है। मुझे कहीं स्टेज पे ले जाओ तो मैं घबरा जाऊँगा, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन जब शूटिंग कर रहा हूँ चाहे हज़ारों लोग हों मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस वक्त मैं आई एम प्लेइंग नॉट सनी देओल बट द कैरेक्टर। अब इतने सारे लोग यहाँ हैं, इनके लिए हो जाए ढाई किलो का हाथ? ये ढाई किलो का हाथ जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हाँ अच्छा एक और। साथों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, घर में घुस कर मारूंगा। गदर क्या लोग जिक्र कर रहे हैं, इतना गुस्सा गदर में, वो जो हैंडपंप है वो वाकई में उखाड़ा था। देखिए गदर में जो मैंने पंप उखाड़ा था उसकी कोई वजह थी। उसकी वजह ये थी कि जब भी आदमी अपने परिवार के लिए, जब भी कुछ ऐसी मुसीबत आ जाए जहाँ पर उसके परिवार की ज़िंदगी का सवाल हो, तो उस वक्त आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और मैं मानता हूँ कुछ भी कर सकता। सनी फिल्मों में जब इस तरह के एक्शन सीन होते हैं तो लोग जानते हैं कि ये हैंडपंप उखाड़ा तो इसलिए ये एक्शन सीन है, लेकिन आपके बारे में, आपकी बॉडी, आपका स्टाइल देखकर लोगों को लगता है इन्होंने वाकई में उखाड़ दिया होगा वह। क्योंकि मैं जब भी जो भी कुछ करता हूँ तो मैं उसके अंदर मैं हमेशा मानता हूँ कि यू नो, जैसे जिद्दी भी मेरा एक सीन था जहाँ पर मैं एक आदमी का हाथ उखाड़ देता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट मैसेज शुरू, ये कैसे हो सकता है, ये क्या, ये नहीं हो सकता, ये वगैरह। मतलब अगर कोई मेरी बहन को छुएगा तो मैं उसका हाथ उखाड़ कर फेंक दूँगा। तो ये एक अंदर की एक जो हमारी बिलीफ है, जो सोसाइटी की, जो हमें है कि जब कोई चीज़ बुरी है तब आप एकदम ताकतवर हो जाते हो, जब आप खुद गलत हो तो आप कमज़ोर हो। उस सीन का असर इतना है, सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था जब मोदी जी अभी लाहौर गए तो नवाज शरीफ ने कहा वो हैंडपंप तो लौटा दो जो सनी ने उठा दिया था। मेरा उनसे कहना ये है कि हम लौटा देंगे,
पर सब जगह एक पीस कर दो, लेट देयर बी पीस। सनी, गुस्सा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, मुझे पता चला कि असलियत में जब आप डर फिल्म कर रहे थे तो इतना खौफ था आपका, पूरी यूनिट डायरेक्टर से लेके शाहरुख खान तक डरे डरे रहते थे आप। खैर, उनका डर इसलिए होगा क्योंकि उनके अंदर कोई खोट थी। नहीं, कुछ कुछ कहीं थोड़ी सी बातें हो जाती हैं ऐसी वैसी, और मुझे मेरे को जब कोई बात समझ में ना आए, लगे कहीं इसमें कुछ चीज़ सही नहीं है, आई एम अनकम्फर्टेबल, तो मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है। और वही उसी फिल्म में था जहाँ पर मैं वो सीन कर रहा था जो आप लोग दिखा भी रहे थे शायद, जहाँ पर शाहरुख मुझे चाकू मारता है, तो उधर काफ़ी मेरी बहस हुई थी कि देखो, मैं एक कमांडो ऑफिसर हूँ और इतना एक्सपर्ट हूँ और इतना फिट हूँ, और ये लड़का है, ये मुझे कैसे मार सकता है? जो मैं मार सकता है अगर मैं देख ना रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ मुझे चाकू मार देगा, तो मैं कमांडो कहाँ का रहा? तो वो उस चीज़ों पे थोड़ी सी बहस चल रही थी, जिस पर मेरे को पता नहीं, मेरे को लगा शायद बिकॉज मैं हमेशा जो बुज़ुर्ग हैं तो उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे फिर समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने अपने हाथ जीन्स में डाल दिए थे, और मुझे पता ही नहीं था कि इतना गुस्सा था कि मेरी पूरी पैंट फट गई थी। और वो हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि कोई वहाँ डर के भाग गया, कोई उधर भाग गया, जब भी मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा था, खुद से मेरे को समझ में आ रहा था मैं क्या गलत कर रहा हूँ। लेकिन वाकई में आश्चर्य करने वाली बात है, इतनी ताकत की जीन्स की जेब फाड़ना कोई आसान नहीं होता है। वही कहता हूँ, जब आदमी के अंदर गुस्सा या उस चीज़ आ जाए, जब उसके अंदर कोई चीज़ जो अंदर हॉन्ट करे, तो उस वक्त आदमी की ताकत ही कुछ अपने आप ही उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर अभी आपको गुस्सा दिलाऊं तो रीटेक हो सकता है उसका। नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये सच है कि उस घटना के बाद में 16 साल तक आपने शाहरुख खान से बात नहीं की? नहीं, बात ऐसी तो नहीं है कि नहीं की मैंने बात, आई डोंट नो क्या है, बट मैं अक्सर फिर अपने आप को कट ऑफ ही कर देता हूँ, और वैसे भी मैं कहाँ सोशलाइज करता हूँ कि कहाँ किससे मिलूँ या बात करूँ, तो कभी हम लोग कहीं मिले ही नहीं तो बात करने की बात ही नहीं रही। वैसे भी मैं हार्डली कोई फंक्शंस पे नहीं जाता, कहीं पार्टीज पे नहीं जाता, तो वी आर कोलीग्स, बट उससे ज़्यादा कभी किसी से इंटरेक्शन नहीं होते। लेकिन ये बात सही है कि अगर किसी पर गुस्सा है तो आप उसको काट देते हैं। हाँ, जब मालूम है कि जो चीज़ जिससे कुछ है नहीं तो उसको हटाओ ना, क्या कर क्या सकता हो। अब राजकुमार संतोषी ने घायल जैसी सुपरहिट फिल्म आपके साथ की थी, लेकिन जिस दिन आपने काटा तो फेंक ही दिया। ऐसे कुछ नहीं है, बस मैं हमेशा सोचता हूँ कि कभी ना तो कभी वो समझ जाएगा और वापस आएगा। लेकिन आपकी नाराज़गी आसानी से जाती नहीं, मैंने सुना कि यशराज फिल्म से इतनी नाराज़गी है, उन्होंने जब जब आपको रोल ऑफ़र किया आपने मना कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं था, उन्होंने रोल तो कभी ऑफ़र नहीं किया, लेकिन हमेशा रहा, बिकॉज़ उनको भी पता है कि मैं नाराज़ हूँ। बट फिलहाल अभी कुछ एक महीने पहले मैं आदि से मिला, एंड वी लाफ्ड अबाउट जो कुछ हम कर चुके हैं, जो कुछ हो चुका है, बिकॉज वक्त, तभी कहते हैं ना, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को साफ कर देती है। आपके गुस्से का डर निकल गया उनके मन से अब? हाँ, नहीं, वो हो जाती हैं बातें, अभी क्या करें, ये दुनिया ऐसी है, कितना लड़ेंगे, कितना अंदर लेके रखेंगे, आगे चलना है। तो अब मौका लगेगा तो शाहरुख के साथ फिल्म से फिल्म करेंगे? मैं तो किसी के साथ भी फिल्म करने को राजी हूँ, मेरे पर मुझे नहीं लगता कोई एक्टर मेरे साथ इतना करना चाहेगा। बट आई एम रेडी टू वर्क विद एनी एक्टर। जिसने आपको एक बार वो जींस फाड़ते हुए देख लिया उसकी तो हिम्मत होगी नहीं आपके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है, नाउ ही इज सोबर डाउन क्वाइट अ लॉट, ही इज नाइस। नहीं, वो तो सोबर डाउन हो गए, आप सोबर डाउन हो गए। हाँ, नहीं, मैं आई मीन ऑब्वियसली देख तो रहा है मैं सोबर डाउन हूँ। अगर दोबारा शुरुआत करें आप बेताब से अपनी ज़िंदगी की, तो कौन सा ऐसा
को स्टार है जिसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, हम तो फिर उसी से करेंगे ना जिसे हम डरेंगे, क्यों है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं शुरू में हुआ करता था, मैंने ज्वाइन द इंडस्ट्री उस वक्त मुझे होता था बिकॉज मैं एक्टिंग करता था और मुझे कुछ हमारे मेरे कोलीग्स से, मैं नाम नहीं ले सकता, जब भी कैमरा के पीछे वो कुछ और हरकत कर डालते थे और डायरेक्टर रोकता नहीं था, तब मैं चढ़ने लग गया था कि ये भाई हम एक्टिंग करने आए हैं, एक दूसरे से लड़ने आए हैं. यू नो, वन मैन आप होता ना, वो करने चक्कर में लग जाते हैं कि मैं इसे थोड़ा कुछ ऐसे कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. तो ये इनसिक्योरिटी होती है काफ़ी एक्टरों में, तो उससे पिक्चर भी ख़राब हो जाती है. तो वो वजह थी जब मैं कुछ नहीं चाहता था कि इस तरह के एक्टरों के साथ काम करूँ. पर उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा, मेरे ऐसे इंसिडेंट्स श्रीदेवी के साथ हुआ था. मैं फिल्म कर रहा था एंड शी वॉज कुछ भी कर जाती थी, तो मैंने चल इस फिल्म में मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा. मेरी एक आंख ऐसे पीछे रहती थी, तू क्या कर रही है, मैं भी करूँगा. बिकॉज द फिल्म वॉज ऑफ दैट जॉनर, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट गेट आउट ऑफ योर कैरेक्टर बट जस्ट डू वन अपमैनशिप. चालबाज की बात कर रहा हूँ. तो अब आपकी सोबरेटी के किस्से मेरे पास में है. आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सनी देओल से. आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि ये अपनी इमेज के शिकार हो गए हैं. सनी, आपकी इमेज बन गई एक्शन हीरो की. लोग सोचते हैं कि ढाई किलो का हाथ पहले मारेगा, डायलॉग बाद में बोलेगा. ये इमेज बन गई है, पर बन गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में. इमेज अक्सर बनती है और टूटती है. जब आपके पास कोई अच्छी कहानी आ जाए, कुछ अच्छा कैरेक्टर आ जाए, तो वो कैरेक्टर आपको आगे ले जाता है और आपको मौका देता है कि एक नया इमेज बनाने का. बट डेफिनेटली जितनी भी मैंने फिल्में की हैं, वहाँ पर मैं अक्सर एक कैरेक्टर ऐसा पोर्ट्रे करता हूँ जहाँ पर वो किसी भी हद तक जा सकता है, अपने परिवार के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने दोस्त के लिए, भाई के लिए. तो ऑब्वियसली वो एक एक्शन हो जाता है. आपके तो फिल्मों के नाम भी लड़ाई झगड़े वाले, मार पिटाई वाले होते हैं. गदर, बॉर्डर, कहर, घातक, दुश्मनी, लुटेरे, डकैत, घायल, मैं तेरा दुश्मन, आग का गोला. तो शायद इंडस्ट्री में कोई लड़ने वाला नहीं है ना, एक तो चाहिए. नहीं तो सब छुपे छुपे रोमांस करते रहते हैं. खुलकर रोमांस नहीं करता कोई, है ना? और इमेज ऐसे आपकी कि किसी दूसरे के डायलॉग भी आप पर चिपक जाते हैं. दूसरे के डायलॉग कौन से चिपक गए मेरे पर? ये एक डायलॉग है, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे. हाँ, वो इमेज की वजह से वो अक्सर कहा जाता है मैंने ये डायलॉग कहा है, जबकि मैंने ये डायलॉग कहा ही नहीं है. ये इसलिए इमेज है क्योंकि गदर में, बॉर्डर में, जिस तरह से आपने पाकिस्तानियों को धोया है, तो पाकिस्तानी हमेशा से सनी देओल को अपना दुश्मन मानने लगे. खैर, इसे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोग उस तरह से ले गए हैं, पर कहीं मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की जहाँ पर मैंने कभी कहा कि ये ऐसा है या ये मुल्क ऐसा है या ये मुल्क वैसा है. हमेशा जैसे बॉर्डर थी, वो तो एक फिल्म थी जो ट्रू इवेंट के ऊपर थी जो हुआ था. सो आई वाज प्लेइंग चंदपुरी, मेजर चंदपुरी एट दैट मोमेंट, एंड आई वाज पोर्ट्रेइंग हिज कैरेक्टर जो हुआ था. पर उसे लोग एक पर्सनलाइजेशन पे ले जाते हैं. और बात आई फिर गदर की, गदर में तो कुछ इस तरह का किस्सा ही नहीं था. ये तो पाकिस्तान जाकर अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए राज़ी था कैरेक्टर, ये अपने आप को वहाँ कुछ भी करने के लिए राज़ी था. तो यहाँ कहीं इसने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ आपसे लड़ने आया हूँ. तो और वैसे भी वो अपने परिवार को लेने आया था, तो इसे, और मेरे हिसाब से मेरी जो फिल्म गदर थी उससे उतनी बड़ी रोमांटिक फिल्म कोई नहीं हो सकती, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर है, एक को इंस्ट्रूमेंट लेके गाना गा रहा है
और वहाँ पर इज ट्राइंग टू वू द गर्ल, उसे पगड़ी बांध रही है, उसे रख रहा है, इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा कैरेक्टर था वो. हाँ, ऑब्वियसली जब वक्त आ जाता है तो अपने इंडिया में भी, जब पंजाब में भी जब उसको पे कुछ करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करता है. तो ही इज़ बेसिकली इमोशनल पर्सन जो प्यार के लिए कभी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे पता नहीं कि ये सिचुएशंस आएंगी, तो वो ही इज़ फाइटिंग फॉर इट, बट नॉट कि वो कुछ देश का झंडा गाड़ने जा रहा है कहीं. आप तो प्यार की बातें कर रहे हैं और आप सोच रहे थे आप रोमांस कर रहे हैं, लोग सोच रहे थे आप एक्शन कर रहे हैं. अभी अगली बार मैं एक्शन करूंगा, लोग सोचेंगे मैं रोमांस कर रहा हूं. दलेर जी हमारे जज हैं आज, इनको बहुत गाना पसंद है वो गदर का. दलेर जी, एक मोड़ आया मैं उत दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उत दिल छोड़ आया. ये मेरे पास में 2 अगस्त 2006 का एक पुराना अखबार है, इसमें लिखा है कि सनी देओल ने जिस तरह से पाकिस्तान विरोधी भूमिकाएं की उससे खफा होकर पाकिस्तान में और बल्कि अमेरिका ब्रिटेन में जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उन्होंने सनी देओल की फिल्में देखना बंद कर दिया है. हाँ नहीं, इस इन चीज़ों का असर डेफिनेटली हुआ है, बट एज एन एक्टर वी आर बेसिकली वेरी यूनिवर्सल. और पर ये किस्से हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली द कैरेक्टर्स हैव पोर्ट्रेड हैव बीन सो स्ट्रॉन्ग, तो लोग उसे इतना मान लेते हैं और फिर जब भी कुछ होता है तो अक्सर मेरी तस्वीर लगा देते हैं. But I think it's best less spoken about it than. तो कभी पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसा तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं. मुझे अक्सर एयरपोर्ट पे मिलते हैं, इंग्लैंड में मिले हैं, जहाँ पर भी मिलते हैं, बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं, पूरा परिवार जो होते हैं, बिकॉज उन परिवारों में किसी में कुछ इस तरह की गलत फहमी नहीं है. ये कुछ चंद लोग होते हैं जो ये गलत फहमियाँ बना लेते हैं, उसको लेकर चलते हैं. आप लोग जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं. हाँ, जैसे नायक मूवी में एक्टर एक दिन के सीएम बनते हैं और बहुत अच्छे सीएम बन के दिखाते हैं, आपको क्या लगता है इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनको अगर एक दिन का एक्टर बनने का मौका दिया जाए तो वो उतनी ही बखूबी से निभाएंगे? ये बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सब बहुत अच्छे एक्टर हैं. अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं सुपरस्टार सनी देओल से. आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि ये जो करते हैं बहुत कम करते हैं. अब आपके फैंस कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से सनी देओल फिल्में भी कम करते हैं. मैं जानबूझ के तो नहीं कम करना चाह रहा, लेकिन 2000 के बाद कुछ मेरे पास कुछ फिल्में इस तरह की नहीं आई जो जो मुझे एक्साइट कर सकें, और इसी वजह से फिर फिल्में भी थोड़ी कम होती रहीं. और एक मेरी बैक की हमेशा एक प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से मैं काफ़ी कितनी बार मैं मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है. ये बैक पे दर्द तब से शुरू हुआ था जब करिश्मा कपूर को बैक पर बिठाया था? नहीं, ये हमारी जो हम जब यंग होते हैं ना, हम सोचते हैं हम इनविजिबल हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो वहाँ पर जाके मेरी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बेताब से ही मैंने डुप्लीकेट का काम खुद ही करना शुरू कर दिया था. मुझे मालूम है कि पापा चले गए थे उस दिन और उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा कुछ नहीं, उसे कुछ मत करवाना. घोड़े का शॉट था, बकिंग शॉट था, और मेरे जो डबल थे वो कर रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था, गिर ही जा रहे थे बार बार. तो उनसे मैंने कहा कि मैं बैठ के देखूं, तो कहा मैंने कहा बाय नॉट. तो जैसे मैं घोड़े पर बैठा, घोड़े ने पूरी कोशिश की लेकिन मैं गिरा नहीं. तो वहाँ से फिर मैंने हर चीज़ अपने आप करनी शुरू कर दी, दीवार ऊपर से छलांग मारनी, बिकॉज ट्रेनिंग नहीं ली है कि एक्शन की, पर करते 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 उसकी वजह से चोटें बहुत खाई और बहुत झटके लगे. उस वक्त ना हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ थी, केबल्स थे या कोई एयर बैग्स थे, कुछ नहीं था उस वक्त.
हम लोग ऐसे ही कर जाते थे. तो खुद ने अपने आप को किया जो किया है. तो स्टंट भी आप करते हैं, छलांग भी आप लगाते हैं, घोड़े पे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन डांस करने से ही चकते हैं. वो ये हुआ कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मैंने बोला कि भाई मर्द आदमी नाचता नहीं है, नचाता है. पर पता नहीं चला कि वक्त मुझे भी नचा देगा. और जब आप नाचते थे तो ऐसा लग रहा था किसी को कूट रहे हैं. क्या करूं, जो आता है सो उतना ही आता है. कुछ तो करना पड़ता है. और ये भी सच है कि अब आपको वो हीरोइन नहीं मिल रही अपने साथ काम करने के लिए, क्योंकि जिन हीरोइंस ने आपके साथ काम किया था या तो रिटायर हो गई हैं या माँ के रोल कर रही हैं. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. अब देखिए, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लो, रवीना टंडन, ये सब तो रिटायर हो गई. खैर, पर और कितनी सारी हीरोइनें हैं, डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं है. बट मैं फिल्म ही नहीं कर रहा हूँ, जब करूँगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी गर्ल्स वर्किंग देयर. मेरी घायल वंस अगेन में सोहाली हैं. सो तो सनी, फिल्में कम करते हैं, डांस कम करते हैं, अब हीरोइन के साथ आपके रोमांस के चर्चे भी कम होते हैं. भाई चर्चों से क्या करना है, चर्चों से थोड़ी ना गाड़ी चलती है. काम से चलती है. अच्छा काम करो जिसमें मानता हूँ, और मेरी तो पूरी जान उसी में लग जाती है कि कोई अच्छी कहानी हो और मैं वो करूँ, ताकि बार बार वो फिल्में बने जो बाद में मुझे वो बना दें जिसके लिए मैं यहाँ हूँ, और मेरे फैंस वो पिक्चर की चीज़ें याद रखें और मुझसे कहें कि ये करो भाई. तो कोशिश हमेशा यही रही है कि कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा राइटर आए और कोई अच्छी सी कहानी सुनाए. ये सही है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो काफ़ी परेशान रहता है सनी देओल से, सनी देओल की डिमांड ऐसी होती है. नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं होती. ये मुझ पर पता नहीं क्यों इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी मैंने कोई ये सुना कि एक प्रोड्यूसर से ये कहा गया कि सनी देओल एवियन वाटर से नहाएंगे, तो ट्रक में पानी मंगा जा रहा है. नहीं, आई थिंक ऐसे ही किसी ने बात बना ली है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है. बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ जो सुबह सुबह काम के लिए सुबह सुबह पहुँच जाता हूँ. 7 बजे की शिफ्ट होती है, मैं 6:30 बजे पहुँच जाता हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. और अक्सर सब चीज़ें मैं खुद अपने हिसाब से खुद ही करता रहता हूँ. प्रोड्यूसर, क्योंकि खुद प्रोड्यूसर हूँ, जानता हूँ कि तकलीफ नहीं देनी चाहिए प्रोड्यूसर को. पब्लिक में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जी आप यहाँ. आज की युवा पीढ़ी के लिए, एक संयुक्त परिवार के लिए आपका क्या संदेश है, मैं जानना चाहता हूँ. बस यही कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली हैं, चाहे आप सिंगल हैं, लिव अ नाइस लाइफ विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. सनी, आपके घर में जो छोटा भाई बॉबी है उस पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आप लगाते हैं? नहीं, मैं ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को कोई नहीं लगाता बॉबी पर, कभी नहीं. छोटा है, मेरा भाई है, बहुत ही प्यारा है. और हाँ, बिकॉज अक्सर होता ही ऐसा है ना, जो छोटा होता है ही गेट्स अवे विद मर्डर ऑल्सो, बिकॉज बोलते हैं जाने दो जो भी है. लेकिन डांस अच्छा करता है. हाँ. बॉबी बहुत अच्छा डांस करता है. उसके अंदर, उसकी बॉडी में, उसकी पर्सनालिटी में एक ऐसी एक वेव है जो आई डोंट सी इट इन एनी एक्टर्स. हम लोग अक्सर कोई स्टेप्स वेप्स करते हैं, लेकिन जिस तरह से उसका पूरा म्यूजिक को लेके जिस तरह से मूव करता है, दैट्स वेरी एलिगेंट. किसने तो मुझे कहा कि वो जो गाना है ना, पप्पू कांट डांस साला, वो सनी के लिए लिखा गया है. पर आप लोग नहीं जानते कि इतनी आबादी में पप्पू कांट डांस और सनी कांट डांस ढेर सारे लोग हैं, और इसलिए वो हमसे आइडेंटिफाई करते हैं. नहीं तो कौन ही एक डांस देखेगा, बट उनको अपनापन दिखता है उसमें, राइट? आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार सनी देओल. आपकी अदालत में अगला. आपकी अदालत में फिल्म स्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए मिसफिट हैं. सनी, सिर्फ आप नहीं,
धर्म जी भी ये कहते हैं कि हम लोग पूरा परिवार मिसफिट है। मैं तो कहता हूं कि फिल्म मिसफिट है, हम फिट हैं। सारी दुनिया अपनी फिल्मों की प्रमोशन करती है, लेकिन आपको बड़ी परेशानी होती है फिल्म प्रमोट करने में? नहीं, रहा है, पर आज तो देखिए मैं हूँ, आपके पास हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, मैं भी बदल गया हूँ। और ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि बात समझनी बहुत ज़रूरी है। हम हमारी फिल्म पर इतनी मेहनत करते हैं, इतने साल लगा देते हैं, और जब रिलीज़ का वक्त आता है उस वक्त फिर हम उसे अच्छी तरह से उसको जो उसकी ज़रूरत है वो प्रमोशन ना दें तो बेइंसाफ़ी हो जाती है फिल्म के लिए। तो वो सोचकर अभी मैं बाहर निकला हूँ कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी पिक्चर को प्रमोट करूँ ताकि सब फैंस तक, सब जगह पहुँच पाऊँ, ताकि उनको पता चले, क्योंकि आज वो लोग ढूंढ नहीं रहे हैं मुझे, उनके पास हम पहुँचते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई मेरे एक्टर की कोई फिल्म आ रही है। धर्म जी का इंटरव्यू देखा मैंने जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे शाहरुख खान ने बताया कि प्रमोशन की पावर कितनी होती है। उन्होंने ऐसे क्यों कहा होगा? हाँ, बिकॉज आई थिंक शाहरुख वॉज द फर्स्ट एक्टर जिसने ये अलग अलग तरीके निकाले जिससे चीज़ों को एक्टर को एक आई थिंक कमोडिटी जो बने हैं। आई थिंक ही वॉज अ पर्सन हु बेसिकली ब्रॉट इट अक्रॉस एंड नाउ एवरी एक्टर इज फॉलोइंग इट। तो वो एक ही इज़ बीन अ पायनियर विद हाउ टू प्रमोट योरसेल्फ। लेकिन जो बाकी एक्टर करते हैं आप ऐसी सारी चीज़ों खिलाफ रहते हैं, आप कहते हैं कि शादियों में जाके एक्टर्स को डांस नहीं करना चाहिए। वो क्या था, जैसे मैंने कहा था मर्द नाचते नहीं है, वो बात आ जाती है कि एक्टर अपनी एक डिग्निटी होती है और कहीं किसी के शादी पर जाकर और वो नाचना वो एक डिग्निटी सी चली जाती है। पर मुझे कहाँ पता था कि ये डिग्निटी डिग्निटी नहीं रहती, ये फैशन बन जाता है। खैर, मेरी सोच हमेशा ऐसी रही है कि थोड़ी सी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी बहुत ज़रूरी है और अपने आप को, और हम एक्टर हैं, हम कोई तमाशबिन नहीं है, वी आर बेसिकली एक्टर्स, और अपने काम से जाना बहुत ज़रूरी है देन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। हाँ, किसी की शादी पर जाइए बिकॉज यू नो देम या उन्हें इन्वाइट किया, डेफिनेटली गो वेल विश द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम, बट नॉट बियॉन्ड दैट। आप कभी किसी की शादी में नहीं नाचे? नहीं, मैं ऐसे नहीं नाचा कभी। और जो फिल्म स्टार पार्टियों में जाते हैं उसको भी आप पसंद नहीं करते, ना खुद जाते हैं ना किसी को जाने देते हैं? ना, मैं किसे रोकता नहीं हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए पार्टियों पर नहीं जाता बिकॉज मैं दारू नहीं पीता, और जब तक अगर आप दारू नहीं पीते तो वहाँ जाके क्या करेंगे, बिकॉज हर आदमी ने लगाई होती है और हर आदमी एक उस लेवल पे होता है जहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। आपको पकड़ लेंगे, बार बार बोलते जाएंगे, एक बात बोलेंगे, दूसरे ने पकड़ लिया उसने वही बात कही जानी है, तो एंड ऑफ द डे आप वहाँ बेवकूफ़ से लग रहे होते हैं ये इंटेलिजेंट लोगों के बीच में। तो यहाँ तो मैं दारू पीनी शुरू कर दूँ वो मैं कर नहीं सकता, तो इसलिए मैं ज़रा दूर ही रहता हूँ इन सब चीज़ों से। और वैसे भी मैं अर्ली राइजर हूँ, तो I'm not so fond of being so late at night. धर्म जी के बारे में हमेशा ये किस्से चलते थे कि वो जब पीना शुरू करते थे तो पूरे सीजन की तरह बरसात है तो पीते जा रहे। पापा पापा हैं, पापा पापा ही रहेंगे। वो वहाँ से आए हैं जहाँ से अक्सर कोई आता नहीं है, और आता है तो फिर यहाँ तक पहुँच जाए वो कभी सोच भी नहीं सकता। और पापा हैज़ बेसिकली उनका हमेशा रहा है, जो वो चाहते हैं वो करते हैं, या ही इज़ फॉन्ड ऑफ हिज ड्रिंक्स। फिलहाल आजकल तो नहीं इतना पी रहे, बट डेफिनेटली ही लव्स हिज ड्रिंक्स। या फिर यही हमारे में ये कमज़ोरी है कि हम जब कुछ करते हैं तो इतने हद तक चले जाते हैं कि पता नहीं चलता इसकी लिमिट क्या है। लिमिट पार कर जाते हैं। लेकिन उनकी फिल्में देखें, सत्यकाम, चुपके चुपके, सीता गीता, प्रतिज्ञा, एक के बाद एक ऐसी फिल्में, आपको कभी लगता है कि उनको उनका ड्यू नहीं मिला फिल्म इंडस्ट्री से? हम एक्टर्स हैं, हमें ड्यू मिलता है हमारी जनता से, एंड आई थिंक जितने सबके दिलों में पापा ऐसे बैठे हुए हैं कि वहाँ कोई आप खरीद के नहीं बैठ सकता, आदमी पैसों से नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो उन्हें चाहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, इसलिए उनके दिलों में बैठे हुए हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द वेल्थ जो इन सब लोगों के बीच में जो मेरे पापा ने जगह बनाई हुई है, वो अवार्ड से तो ज़्यादा ही बड़ी है।
लेकिन आप इस मामले में लकी रहे, घायल दामिनी जैसी फिल्मों के लिए जल्दी अवार्ड्स मिल गए। जब मुझे पहली बार मिला मैं तो पर हैरान हो गया था, ये मुझे क्यों मिल गया क्योंकि उम्मीद नहीं रखता था इन सब इस चीज़ों फैमिली की। को आदत नहीं थी अवार्ड लेने हमें की। हमें उम्मीद नहीं है इन सब चीज़ों की, तो बहुत ही वो हुआ, बट अच्छा लगा बिकॉज उसके बाद फिर सब लोग सोचने लगे कि मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग आती है मुझे नहीं तो ये हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री के अंदर हमारी ये जो चीज़ें हैं ये जो बन जाती हैं बहुत ही गलत है। पर फिलहाल हमारी इंडस्ट्री, हमारा पूरा देश अभी इतना नंबर वन के बनने के चक्कर में है कि हर आदमी हर चीज़ कर रहा है और उसकी चीज़ का कोई वेट रहा नहीं है अभी। आप जाते हैं अवार्ड फंक्शन में? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं जाता, अनलेस मेरे को अभी मेरे घायल को प्रमोट करना होगा तो ज़रूर जाऊँगा तो आप पार्टियों में नहीं जाते, आप अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते, आप शराब नहीं पीते, करते क्या हैं आप में से कितने लोग हैं जो दारू नहीं पीते? कुछ तो करते होंगे ना आप लोग? मैं भी वही करता हूं फाइनल राउंड। आपको धर्म सर की कौन सी अच्छी मूवी लगती है, कौन सी जो दिल के करीब है, और क्या आप उसका रीमेक बनाना चाहेंगे फ्यूचर में? पापा की ढेर सारी फिल्में हैं जिन्हें मैं, मेरे बहुत करीब हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि तीन फिल्में हैं जो बता सकती हैं कि पापा की रेंज क्या है, और भी हैं पर पापा की एक फिल्म है सत्यकाम, फिर उसके बाद पापा की एक फिल्म आई थी फूल और पत्थर, और फिर उसके बाद मैं कहूँगा चुपके चुपके। तो ये जब तीन फिल्में आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितनी वैरायटी मेरे डैड में है, और इतनी वैरायटी किसी एक्टर में नहीं है, और ना इतनी वैरायटी के साथ उन्होंने किसी ने भी इतनी सक्सेसफुल फिल्म दिए हों, हर कैटेगरी में उन्होंने सक्सेसफुल फिल्म दी हैं। और फिर भी अगर कोई कहे कि इंडस्ट्री नहीं ड्यू देती तो क्या करें आपको ये बुरा तो लगता होगा कि इतनी अच्छी फिल्में की जितने आपने नाम गिनाए, इसके बाद भी अवार्ड देने में थोड़ी कंजूसी बरती गई उनके साथ? हाँ डेफिनेटली, मैं हमेशा पापा का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मैं पापा के बारे में कहीं कुछ भी हो जाए तो मैं उस आदमी को उखाड़ दूँगा पापा के लिए डेफिनेटली नहीं हुआ, कितनी चीज़ें नहीं हुई, पर जैसे कहा कि जितना प्यार जहाँ पर भी पापा जाते हैं कहीं भी जाएं, वो प्यार कोई भी स्टार को नहीं मिलता। पापा आ जाएं, स्टार खड़ा हो, स्टार की ऐसी की तैसी हो जाती है, पापा को घेर लेता है तो फिर उसका मज़ा ही क्या। कौन सा ऐसा रोल है जो धर्म जी ने किया जो आपको मौका लगे तो आप करना चाहते? पापा के जितने भी रोल हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं, उनको मैच करना बहुत ही इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज उनका अपना एक पर्सोना है, उनकी एक तरीका है जिस तरह से उन्होंने वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया। अगर मैं वो करने जाऊंगा मैं उस तरह से नहीं कर पाऊंगा, बट डेफिनेटली वो जो कैरेक्टर्स हैं जैसे सत्यकाम का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर की सच्चाई को लेकर हम आज के दौर में उसे डालकर बना सकते हैं। वैसे ही फूल और पत्थर, वैसे ही और भी ढेर, चुपके चुपके भी आज के दौर में उसी तरह से एक फैमिली को पकड़ के बनाई जाए तो बहुत अच्छी बन सकती है। सर, जैसे आपकी मूवी में डायलॉग है, जब ये 2.5 किलो का हाथ उठता है तो आज आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सर, सच्ची 2.5 किलो का है आपका एक हाथ? मैं कई शोज पर गया हूँ, सब लोगों ने ये मेरे से अक्सर पूछा है, और वो मशीनें भी ले आए, तोला भी उन्होंने पर मेरा हमेशा सवाल ये रहता है, ताकत जो आदमी की होती है जिससे हम बात करते हैं वो हमारे दिल में होती है, हमारी सच्चाई की ताकत होती है, उसके कोई किलो विलो नहीं होता, तो 1000 किलो की हो सकती है। सनी सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आप एक्शन हीरो हैं पिछले 25-26 सालों से, वर्तमान में अभी प्रेजेंट में आप किसको, सलमान को या अक्षय कुमार को एक्शन हीरो मानेंगे? सनी देओल को सर, लेकिन ऑफकोर्स ओल्ड इज गोल्ड वो रहेंगे, आप जैसे धर्मेंद्र जी हैं आप हैं रहेंगे, लेकिन अभी 25 सालों का गैप हो गया, इसलिए अभी मैं कर रहा हूं ना, घायल आ गई ना। ओके, थैंक यू। सनी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, आपकी लाइफ के बारे में, फिल्मों के बारे में, आपके डांस के बारे में, और आपने हर सवाल का बड़े खुले दिल से जवाब दिया।
आज हमने मुकदमा चलाया फिल्म स्टार सनी देओल पर. हमने सनी देओल से पूछा उनकी फिल्मों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी हीरोइंस के बारे में, उनके रोमांस के बारे में, उनके डांस के बारे में. और वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने सिंगर दलेर मेहंदी के फैसले का. आपने हर सवालों का जवाब इतनी निडरता से, इतनी सच्चाई से, बेधड़क होके दिया है. ये अदालत आपको सारे इल्ज़ाम से बरी करती है और आपसे एक चीज़ और मांग रही है कि आप मेरे साथ यहाँ पे अब भंगड़ा करेंगे. आइए. बहुत बहुत सिंपल सा भंगड़ा है, बहुत सिंपल स्टेप है. सिर्फ आपने सिर्फ यूं करना है खड़े खड़े और कुछ है ही नहीं. सो मेरे साथ. हाँ जी. अब तुणक तुणक धुन तुणक तुणक धुन तुणक तुणक तुम दादा दा. अब तुणक तुणक धुन तुणक तुणक धुन तुणक तुणक तुम दादा दा. ढोलना वजे तुम्बे वाली तार सुन दिल दी पुकार आजा कर लिए प्यार. ओ ढोलना हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले. आहा चिकनक 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 आहा चिकनक चिकनक चिकन आहा चिकनक चिकनक आहा. थैंक यू.